फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेगीस फैमिली उत्तराखंड। देखिए, आज आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और इजीली कोई भी इसे बना सकता है, बिगनर्स भी इसे इजीली बना सकते हैं। सीधे उल्टे का डिज़ाइन है, देखिए इस तरीके से। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसके बैक साइड में इस तरीके से सिलाई आएंगी। हार्डली 12 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है और अगर मैं स्टिचेस की बात करूं तो 9 के मल्टीप्लाई में ये स्टिचेस हैं। मैंने इसमें 18 स्टिचेस लिए हैं, 9 यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 2 एस स्टिच के इसमें मैंने फंदे लिए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये 9 फंदों पे बना हुआ डिज़ाइन है, 9 स्टिचेस पे, और यहाँ से यहाँ तक ये 9 स्टिचेस पे बना हुआ डिज़ाइन है। हर बार ये डिज़ाइन जो है बस चेंज हो जाता है। एक टाइम जैसे मैंने यहाँ पर जालियाँ दी हैं, नेक्स्ट टाइम जाली यहाँ पर आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। पहली रो, फर्स्ट रो। तो देखिए, फर्स्ट रो हमें क्या करना है, ये डिज़ाइन जो है, देखिए अभी हमने यहाँ जाली डाली थी, अब यहाँ पर हमारा ये वाला पैटर्न यहाँ पर आएगा, रिपीट होगा। मैं ऑलरेडी एक पैटर्न ये और एक पैटर्न ये, दो पैटर्न इसमें डाल चुकी हूँ। यहाँ पर हमें ये वाला पैटर्न हमें यहाँ डालना है। तो देखिए किस तरीके से स्टार्ट करेंगे इसकी फर्स्ट रो। पहला फंदा जो है ये हमारा स्टिच का है, इस तरीके से एक फंदा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो इस तरीके से देखिए, ये एस स्टिच का फंदा, 2, 2, 4, 6, 8 और एक ये 9। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा, लास्ट में मेरा सीधा आया, यहाँ पे सीधा था, यहाँ से स्टार्ट किया सीधा। तो 9 फंदों पे हमें इस तरीके से बनाना है। इसके बाद देखिए, ये जो ये वाला फंदा है यहाँ पर हमें जाली देनी है। तो एक फंदा ये वाला, देखिए जाली देनी है हमें यहाँ पर। तो किस तरीके से जाली देगी, 2, 4, 6, 8, इन 8 फंदों पर हमें जालियां देनी। किस तरीके से, एक फंदा यहाँ हम सीधा बनाएंगे, ये फंदा यहाँ से इधर का पैटर्न का है, तो एक फंदा ये सीधा हो गया। इसके बाद जाली, इन 2 फंदों का 2 का एक करेंगे इस तरीके से, 2 का एक किया, ये एक जाली हो गई। फिर दूसरी जाली डालेंगे, फिर इन 2 फंदों का हम 2 का एक करेंगे इस तरीके से, फिर एक जाली देंगे, फिर इन 2 फंदों का हम इस तरीके से यहाँ पे ये 2 फंदों का 2 का एक करेंगे। अब देखिए, 1, 2, 3, फिर यहाँ पे 2 फंदों का 2 का एक करेंगे और एक जाली भी दे दी हमने, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए, एक फंदा ये था हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये स्टिच का फंदा हमारा सीधा ही आएगा। तो फर्स्ट रो ये हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो गई। सेकंड रो देखिए किस तरीके से करनी है। सेकंड रो में जहाँ हम जाली दे रहे हैं जिस तरफ, वहाँ के 9 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। देखिए कैसे, ये फंदा तो स्टिच का है, इसके बाद ये 9 फंदे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये 9 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने जो फंदे सीधे बनाए थे यहाँ पर, ये जैसे ये वाला फंदा हमारा यहाँ पे सीधा था, तो ये इस तरफ उल्टा दिख रहा है, तो उल्टे पर हम बनाएंगे सीधा, जो सीधा दिख रहा है उस पर हम उल्टा करेंगे। अब ये जैसे उल्टा दिख रहा है तो इस पर हम सीधा फंदा बनाएंगे, इस सीधे फंदे पर उल्टा, इस उल्टे फंदे पर सीधा, सीधे फंदे पे ये वाला उल्टा, देखिए उल्टा दिख रहा है, यहाँ हम सीधा बनाएंगे, ये उल्टा, ये सीधा। और इस तरीके से देखिए, ये वाला जो फंदा लास्ट का है ये भी हमारा स्टिच का सीधा ही जाएगा। तो देखिए, सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई, थर्ड रो पे आ गए। थर्ड रो पे फिर से देखिए, पहला फंदा जो है ये हमारा स्टिच का है। अब यहाँ से देखिए, ये उल्टा दिख रहा है, अब यहाँ हम सीधा बनाएंगे, ये सीधा, उल्टा, सीधा,
उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा और ये सीधा। तो देखिए ये हमारे 2, 4, 6, 8 और 1, 9, 9 फंदे ये हमारे यहाँ पूरे हो गए। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, अभी पहली रो में जो था हमने 4 जाली दी थी, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा और सीधा, यानी 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम यहाँ 4 नहीं 3 जालियाँ देंगे। तो एक जाली ये 2 का 1 करेंगे, फिर एक और जाली ये दूसरी जाली हमारी, फिर यहाँ 2 का 1 करेंगे, फिर ये तीसरी जाली यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे लास्ट फंदा एक हमारा सीधा और ये एस स्टिच का भी इस तरीके से सीधा बना लेंगे। तो देखिए थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ रो पे। ये 9 फंदे तो हमें हमें इस तरीके से ही उल्टे ही बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें धागा पीछे करेंगे, ये फंदा उल्टा दिख रहा है, इस पर हम सीधा बनाएंगे। अब ये 9 फंदे हमारे इस तरीके से बनेंगे, जो जैसे दिख रहे हैं उसके ऑपोजिट हमें बनाने, उल्टे बनाने हैं। जैसे जो सीधा दिख रहा है उस पर हम उल्टा बनाएंगे, ये देखिए ये उल्टा दिख रहा है, इस पर हम सीधा बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे रो को। तो ये 4 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें देखिए इस तरीके से ये लास्ट का फंदा स्टिच का है, ये ऐसे ही हमारा सीधा जाएगा। ये 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। 5th रो में देखिए किस तरीके से करना है, फिर से ये 9 फंदे हमें ऐसे ही बनाने जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे थे। ये एक फंदा जो है हमारा स्टिच का है, ये उल्टा दिख रहा है, इस पर हम बनाएंगे सीधा, एक सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और ये सीधा। तो ये 9th जो स्टिचेस हैं हमारे ये कंप्लीट हो गए, देखिए 2, 4, 6, 8 और 1, 9। इसके बाद हमने यहाँ पे थर्ड इसमें हमने 3 जालियाँ डाली थी, अब हम यहाँ पे 2 जालियाँ डालेंगे। तो 3 फंदे सीधे करेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। इसके बाद जाली देंगे इस तरीके से, फिर एक फन 2 का 1 करा, फिर एक और जाली दी और ये 2 का 1 किया। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे 2 फंदे ये सीधे, 1, 2 और लास्ट स्टिच, ऐसे ही हम इसको सीधा बना लेंगे। तो ये 5 रो हमारी कंप्लीट हो गई। 6th रो देखिए, ये 9 फंदे तो हमें एज इट इज़ उल्टे ही बनाने हैं। ये देखिए पहला स्टिच का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे ये हमारे हो गए। इसके बाद देखिए ये उल्टा है, तो इस पर हम सीधा बनाएंगे, 1 सीधा उल्टा, ये सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा और ये लास्ट स्टिच एस स्टिच हमारा सीधा ही बनाएंगे इसको। 6 रो हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए हम 7th रो पे आ चुके हैं, ये डिज़ाइन इस तरीके से दिखने लग गया है। 7th रो में देखिए फिर से ये एस स्टिच का फंदा, फिर से यहाँ से सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और ये हमारा 9th रो 9th स्टिचेस सीधा बनाएंगे। इसके बाद आप देखिए हमारे यहाँ पे हम एक ही जाली डालेंगे, तो यहाँ पे हम 4 फंदे सीधे लेंगे, ये 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे हमारे ये सीधे आ गए। अब यहाँ पे हम जाली देंगे, ये 2 फंदों का हम 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे लास्ट के 3 फंदे सीधे, 1, 2
तीन, तीन फंदे सीधे और ये स्टिच हमारा ऐसे ही सीधा। देखिए सेवन्थ रो कंप्लीट हो गई है, एट्थ रो पे आ चुके हैं। तो एट्थ रो देखिए किस तरीके से हमें बनानी है। फिर से यहाँ पे जो नौ फंदे हैं ये हमारे ऐसे ही उल्टे बनेंगे, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ, ये है हमारा नाइन्थ स्टिच इसका। इसके बाद देखिए ये उल्टा है, यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे, जिस पे हमें उल्टा है, जो उल्टा दिख रहा है उस पे हम सीधा बनाएंगे, जो सीधा दिख रहा है उस पे हम उल्टा बनाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है हमारी एट्थ रो कंप्लीट हो गई। देखिए इस तरीके से एट्थ रो कंप्लीट करेंगे, ये एस्ट ये लास्ट का फंदा जो है हमारा एस्टिच। तो ये आठ रो में हमारे ये जालियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। पहले हमने चार जाली दी, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। इसके बाद देखिए किस तरीके से करेंगे, फिर से यहाँ पे ये स्टिच का फंदा, फिर से ये नौ फंदे इसी तरीके से बनाएंगे, एक सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और ये सीधा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अब कुछ नहीं करना, जाली नहीं बनानी, बस ये नौ फंदे जो हैं हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये बिल्कुल सीधे बनाने हैं और लास्ट स्टिच एक ये सीधा। इसके बाद जो ये नौ फंदे हैं ये तो हमें उल्टे बनाने हैं। ये टेंथ रो है हमारी, इसमें देखिए दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये नौ फंदे हमारे सीधे जाएंगे। बाकी ये नौ फंदे जैसे हम बना रहे थे अभी तक ऐसे ही बनाने, एक सीधा एक उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा और ये जो लास्ट स्टिच है ये हमारा ऐसे ही जाएगा सीधा। तो ये टेंथ रो कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब देखिए अब यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब इलेवेंथ रो हमारी किस तरीके से है, इलेवेंथ रो में हमें पूरी लाइन जो है सीधी ही बनानी है, सारी सारे स्टिचेस जो है हमें सीधे बनाने हैं इस तरीके से। देखिए इलेवेंथ रो पूरी सीधी बनाएंगे हम, इसको सारे स्टिचेस जितने भी हैं हमारे ये सारे सीधे ही जाएंगे। तो इलेवेंथ रो जो है मैं बना लेती हूँ, इलेवेंथ रो जो है हमारी पूरी कंप्लीट सीधी ही जाएगी और ट्वेल्थ रो जो है वो हमारी कंप्लीट उल्टी, फंदे जो हैं सारे उल्टे ही बनाने हैं हमें। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको कंप्लीट दिखाती हूँ पैटर्न किस तरीके से हमें बन के दिखेगा। तो ये देखिए हमारे इसमें ट्वेल्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पैटर्न जो है हमारा इस तरीके से दिखने लग गया है। देखिए इसमें तीन पैटर्न हो चुके हैं हमारे, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका मैं यहाँ से दिखाती हूँ इसमें किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। देखिए ये पहला फंदा जो है ये हमारा स्टिच का है, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरीके से, चार जालियाँ देनी है अब हमने यहाँ पर इस तरीके से। ये पहली जाली दो फंदों का एक किया, दूसरी जाली फिर दो फंदों का यहाँ पे हमने एक किया, फिर ये तीसरी जाली, फिर यहाँ दो फंदों का हमने एक किया, ये इस तरीके से दो का एक किया, ये देखिए एक दो तीन, ये चौथी जाली, फिर यहाँ हमने दो फंदों का एक किया। तो हम देखते हैं इसमें स्टिचेस कितने हो गए हमारे, देखिए दो चार छः आठ और एक ये नौ। तो ये जाली वाले हमारे फंदे में यहाँ पर हमें स्टिच देना है, ये एक फंदा सीधा, उसके बाद जाली देते हुए हमें चार जालियाँ देनी है। इसके बाद यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, एक फंदा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा
सीधा और लास्ट में ये हमारा उल्टा फंदा आएगा और एस स्टिच हमारा ये सीधा। तो ये इस तरीके से रो हमें कंप्लीट करते हुए जाना है। तो देखिए इसके इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे इसकी 12 रो और ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाई देगा। आई होप सो कि आज का ये डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस डालूँ उसकी न्यू नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।